कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? एक भी नहीं। एक भी नहीं? गर्लफ्रेंड यही है मेरा। यही गर्लफ्रेंड है? हाँ। एक बार ताली बजाइए इनके लिए सभी लोग। और इसके एज के जो बच्चे हैं देखिएगा, पटना में भी और कई एक जगहों पे फर्राटे काटते रहते हैं गाड़ी लेकर के, लेकिन ये बच्चा जो है एक अच्छा संदेश दे रहा है उन बच्चों के लिए। अभी तक सुने थे कि किताब आपका सबसे सच्चा साथी है, ये धोखा भी देता है तो मुकद्दर बनाकर छोड़ता है, लेकिन आज भाई साहब जो है इससे अपना दिल लगी कर बैठे और इसको गर्लफ्रेंड बना बैठे। और सीनियर सिटीजन बोल दिए, बुरा तो नहीं लगा? आपकी तो पक्का गर्लफ्रेंड होगी। नहीं है, साधु संत आदमी है। साधु संत आदमी है। लहसुन प्याज मुर्गा मछली अंडा तंडा कुछ नहीं खाते। पहले किए थे, बीच में छोड़ दी, सुधर गए। एक बार पढ़ा दिया जाता है ना, वो भूल ही नहीं पाते हैं। वो नए नए टेक्निक से नए नए शब्दों का यहाँ प्रभाव होता है, उसके वजह से सबको याद होता है। नहीं, पैदल जाती थी, उनके वजह से साइकिल से जाने लगी, जिसके वजह से अब स्कूटी भी, साइकिल से धीरे धीरे स्कूटी पे आ गई, और विस्तार होगा, कार से जाएंगी। अरे वाह, ताली बजाइए इनके लिए। अच्छा, आप लोग के पापा सरकारी है, दामाद काहे खोजते हैं? अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो कोई शादी नहीं होगा। तो हाँ, बस सबसे मेन मुद्दा यही है कि ब्याह नहीं होगा। यही नहीं होगा, मतलब अगर आप अच्छा, आप समाज से निकाले हुए लग रहे हैं। नहीं, साइड में भैया जानते हैं यहाँ पर ये बहुत कम भीड़ है, इससे भी वहाँ पे हम लोग पीछे बैठ के उधर गाछ पे बैठ के पढ़ते थे। हाँ, पीछे में बैठ के पढ़ते थे। मैं वादे के साथ कहता हूँ, बेटी ब्याह उस घर में जिस घर में शराबी नहीं हो, नौकरी का कोई क्रेज नहीं है, कोई डेमो नहीं है इसका। कितना सेफ महसूस करती हैं, इतना जो जंगल जैसा यहाँ पे जगह है, हालांकि बगल में थाना भी है। पटना के पानी पे आरोप लग रहा है, हालांकि पवन सिंह का एक गाना आया था, पटना के पानी जवानी पे जल के इनका बाल उड़ा दिया पटना का पानी। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम किंग राजपूत हुआ। किंग राजपूत? आप जातिवाद करने आए हैं कि पढ़ने आए हैं? जातिवाद नहीं, मेरा राजपूत बचपन से ही है नाम। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं NMF न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हमारा कोई भी मुख्य मुद्दा नहीं है। अभी देख रहे हैं हमारा मौजूदगी जो है वो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में है, और यहाँ पे ये स्टेडियम का जो ये पीछे का रास्ता जगह जो है पेड़ बगात के नीचे जो स्टूडेंट खचाखच भरे हुए हैं, यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की तैयारी हो रही है। बता दें कि बिहार से जो है सबसे ज़्यादा IAS IPS निकलते हैं, और कहीं ना कहीं मुख्य वजह यही है कि खुले आसमान के नीचे और इसको जो है यहाँ पे स्टूडेंट जो है अपना तैयारी करते हैं सरकारी नौकरी का। सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी से बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? पीयूष कुमार। पीयूष कुमार किस चीज़ का तैयारी करते हैं? दरोगा का, BSSC का, BPSC का। अच्छा, सब मतलब है, कंपटीशन का जी। तो मतलब एकदम सरकारी नौकरी ले लेना है। यस yes। कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? एक भी नहीं। एक भी नहीं? गर्लफ्रेंड यही है मेरा। यही गर्लफ्रेंड है? हाँ। एक बार ताली बजाइए इनके लिए सभी लोग। अभी तक सुने थे कि किताब आपका सबसे सच्चा साथी है, ये धोखा भी देता है तो मुकद्दर बनाकर छोड़ता है, लेकिन आज भाई साहब जो है इससे अपना दिल लगी कर बैठे और इसको गर्लफ्रेंड बना बैठे। लगता है कि डबल स्टार लेके ही दुल्हन लेकर आएंगे। यस yes। एक बार और ताली बजाइए। कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? सर हमको तैयारी करने 7-8 साल हो गया। 8 साल हो गया है। उम्मीद अभी भी आपके अंदर की मतलब निकाल लेंगे? सर उम्मीद तो है, काहे कि करीब जाके आते हैं। अच्छा, करीब जाके आते हैं। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए। यहाँ पे एक और सबसे कम उम्र का बच्चा यहाँ पे, क्या नाम हुआ भाई? दिवाकर कुमार। दिवाकर किस चीज़ की तैयारी करते हो? ग्रुप डी का। 10वां पास कर लिए? हाँ। अरे वाह, हमको लगा 7वां 8वां में होगा भाई। कितना अटेम्प्ट में फोड़ दो? बताइए इस उम्र के बच्चे कितना एज हो रहा है? 10th पास किया है, मैच 15 साल का उम्र हो रहा होगा। और इसके एज के जो बच्चे हैं देखिएगा, पटना में भी और कई एक जगहों पे फर्राटे काटते रहते हैं गाड़ी लेकर के, लेकिन ये बच्चा जो है एक अच्छा संदेश दे रहा है उन बच्चों के लिए। खैर, ज़्यादा नहीं बोल पा रहा है अभी, इसके लिए भी ताली बजाइए सभी लोग। एक और यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, सर नाम आपका? पंचानंद कुमार हुआ। एक सेकेंड। हाँ, क्या पंचानंद जी? हाँ सर। किस चीज़ का तैयारी करते हैं? ऐसे तो मैं BPSC देता हूँ, स्टेट PCS और दरोगा की भी तैयारी करता हूँ। अच्छा, तो अभी अटेम्प्ट वगैरह दिए कि नहीं दिए? एक दो दिए हूँ BPSC का। अच्छा, ये खुले आसमान के नीचे प्रिपरेशन क्यों, लाइब्रेरी वगैरह भी है?
है, लेकिन यहाँ है कि अपना जो भी डॉट है वो क्लियर हो जाता है इजी वे में। रूम पे तो पढ़ते हैं बहुत सारा चीज पढ़ते हैं बट वो क्लियर नहीं हो पाता है। अच्छा, मतलब यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के लिए आप लोग, यहाँ है कि क्वेश्चन आते हैं, नए नए क्वेश्चन आते हैं, इतने लोगों का क्वेश्चन रहता है तो क्लियर होता है। डिस्कशन का कुछ फायदा जिससे और भी बच्चे ग्रुप डिस्कशन डिस्कशन कर सके? क्लियरिटी मिलती है क्वेश्चन में, क्वेश्चन आंसर में। ऐसे तो अपन बहुत कुछ पढ़ते ही रहते हैं, क्लियर नहीं हो पाता। एग्जाम आता है तो लगता है कि नहीं ये भी सही, आपको सीनियर सिटीजन बोल दिया, बुरा तो नहीं लगा? नो, आपकी तो पक्का गर्लफ्रेंड होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं भाई, देखिए यहाँ ये तो खैर कहीं इनका, देखिए भाई इनका भाई साहब का 8 साल से तैयारी कर रहे हैं। हम तो कहेंगे थोड़ा सा लड़कियों से भी दिल लगी किया कीजिए, क्या कि बिहार में जब दिल टूटता है तभी यूपीएससी सवार होता है कि नहीं भाई? इनके गुरुजी भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर शुभ नाम आपका? रंजीत कुमार मेरा नाम है। अच्छा, आप ही सबको गाइड करते हैं? हाँ, गाइड टाइप बोल सकते हैं ऐसा। अच्छा, गाइड टाइप का क्या मतलब है? लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, हम भी एक स्टूडेंट ही रहे, हम भी एक प्रिपरेशन करते हैं, हम भी तैयारी करते हैं। अच्छा, है ना। और बस जो बताने का जो तरीका है, जो पूरा भीड़ जो देख रहे थे ना, लोग बोलते हैं कि एक बार याद करें, हम बोलते हैं कि एक बार आप भुला कर दिखाएं। अच्छा, यहाँ पर हम नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं ना, किन्हीं से पूछ सकते हैं, जो एक बार पढ़ा दिया जाता है ना वो भूल ही नहीं पाते हैं। वो नए नए टेक्निक से नए नए शब्दों का यहाँ प्रभाव होता है, उसके वजह सबको याद होता है। ऐसा है क्या सर जो बोल रहे थे? जब ये ग्रुप चला था तो इसमें 9-10 ही लड़के लोग बैठते थे, लेकिन जो भी स्टूडेंट आए, जो भी छात्र आए, 5 मिनट सिर्फ खड़े हो जाते हैं ना, तो अगले दिन आप बैठ जाते हैं वो। बिल्कुल, मतलब आपका एक अलग का अट्रैक्शन। बिल्कुल बिल्कुल भाई, अट्रैक्ट होना है तो ऐसे फ्रेंड से हो, ऐसे दोस्तों से हो, बाकी लोग तो अलग अलग वे में अट्रैक्ट होते रहते हैं, कुछ विशेष नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टूडेंट सभी खुले आसमान के नीचे यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक सवाल मेरा ये है कि जैसे ये जितने सारे बच्चे हैं, एक बार थोड़ा घुमा के दिखाइएगा, ये सभी कहीं ना कहीं जो हैं वो अपने घर के राजकुमार रहे होंगे या फिर राजकुमार होंगे, सही है कि नहीं है? अच्छा सर, एक सवाल कि जब घर से दूर आकर बच्चे पढ़ाई करते हैं तो वो ही राजकुमार घर का यहाँ आकर लवकुश कैसे बन जाता है और काहे बन जाता है? राइट, देखिए जिस तरह से माहौल में आप रहिएगा ना, उस तरह का माहौल आपको मिलेगा। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो NIT पे, भिकना पहाड़ी मोड़ पे भटकते हुए मिलेंगे आपको, लेकिन जो स्टेडियम में बहुत लोग भी आपको मिलेंगे शाम में टहलते हुए, लेकिन जिनको लगता है कि घर की जिम्मेवारी हो जाती है ना, वो लोग अपना रास्ता छोड़ देते हैं, जो भी दोस्त हैं सबको छोड़ कर बस दोस्ती करते हैं बुक से, और वो उस बुक को सिलेक्ट करते हैं, उस संस्था को सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमें सिलेक्शन हो, अपने माँ बाप के सपना को साकार कर सकें। अच्छा, उसकी वजह से। चलिए, यहाँ पे हमारे कुछ बहनें भी मौजूद हैं। दीदी, नाम आपका? राधे। राधे, किस चीज़ का तैयारी करती हैं? कंपटीशन बस। कंपटीशन का, कहाँ की रहने वाली हैं? नवादा जिला। आपका नाम? दीपांजलि दी। आप किस चीज़ का तैयारी करती हैं? BPSC टीचर। BPSC का टीचर वाला तैयारी कर रही है। हाँ। अच्छा, अभी देखिए बहुत, जैसे नीतीश कुमार जी हमारे यहाँ के भावी मुख्यमंत्री हैं, तो उनके आने के बाद लड़कियाँ बहुत सशक्त हुई हैं, उनके बारे में सर, उनके बारे में दीदी आप क्या कहिएगा? अच्छे CM है। अच्छे CM है। हाँ। अच्छा, लड़कियों के लिए बहुत कुछ किए हैं। हाँ। साइकिल भी उनका ही दिया हुआ है। पहले लड़कियाँ नहीं पैदल जाती थी, उनके वजह से साइकिल से जाने लगी, जिसके वजह से अब स्कूटी भी, साइकिल से धीरे धीरे स्कूटी पे आ गई, और विस्तार होगा, कार से जाएंगी। अरे वाह, ताली बजाइए इनके लिए, यही फॉरवर्डनेस। देखिए बिहार की लड़कियां में किसी से कम थोड़े हैं, ये हरियाणा की लड़कियों के लिए कहा गया था कि हमारी छोरियां में छोरों से कम है, कि हमारी हमारी बिहार की बहनें भी किसी भाई से कम है क्या? और भी मौजूद हैं, आपका नाम? आकृति। आप किसी की तैयारी करती हैं दीदी? BPSC का। BPSC टीचर वाला या फिर ऑफिसर वाला? नहीं, BPSC टीचर। टीचर वाला। अच्छा, अटेम्प्ट दिए हैं पहले से? नहीं। अच्छा, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा, आप लोग यहाँ इतना सर सुने हैं कि यहाँ 11 बजे 12 बजे रात तक बच्चे यहाँ सेट वगैरह आकर मारते रहते हैं, अब यहाँ की जो दीदी लोग हैं इनसे बात करेंगे, पूछते हैं कि कितना सेफ महसूस करती हैं, इतना जो जंगल जैसा यहाँ पे जगह है, हालांकि बगल में थाना भी है। बहुत अच्छे सेफ महसूस करती हैं, मतलब इस बार एकदम सर के नौकरी फोड़ देना है। कोशिश में लगी हैं। देखिए यहाँ पे एक दीदी और भी हैं, आपका नाम दीदी? सोनी कुमारी। अच्छा, देखिए ये घर भी चलाती हैं, पढ़ाई भी करती हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दीजिए। शर्मा कह रही हैं, आपको तो प्राउड महसूस होना चाहिए, प्राउड फील करना चाहिए। प्राउड ही फील करते हैं। वाह भैया, इनका हौसला बढ़ाइए एक बार और ताली बजा के।
भाई लड़कियों से तो ज़्यादा खुलकर बात करने में नहीं आता हमको, लेकिन हाँ भैया लोग से हंसी मजाक करने में मज़ा आता है। आपका नाम भैया? नितेश कुमार। नितेश कुमार, देखिए हम चुन चुन के भैया लोग के पास जा रहे हैं, कौन किसिस का तैयारी करते हैं आप? जनरल कंपटीशन दरोगा जी का। अच्छा, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? दो साल से। दो साल से कर रहे हैं, किसिस का कर रहे हैं? जनरल कंपटीशन दरोगा मेन फोकस है। दो तीन ऐसे जो हैं कर रहे हैं जी। अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई मन लगता है ना? जी बिल्कुल मन लगता है, तभी तो यहाँ। नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आप लोग यहाँ आए हैं, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो चटिया रहे होंगे अभी। नहीं देखिए, यहाँ पर वही आएगा जो इस सबसे दूर रहेगा। मैं तो चार घंटा कोई चैट वाला बैठ नहीं सकता, तो घर में बहुत टाइम है चैट करने के लिए यहाँ। सही बात है जी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बात बोले कि घर में बहुत टाइम है चैट करने के लिए, यहाँ चैट करने वाला आकर बैठ नहीं सकता है। रोहित थोड़ा पीछे जाएंगे। आपका नाम क्या हुआ? विवेक कुमार। आप किस का तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी का। बिहार एसएससी का। अच्छा, अटेम्प्ट दिए पहले या नहीं? दिए हैं, बिहार दरोगा बिहार पुलिस का दे के आए हैं कल। अच्छा, दे के आए हैं। देखिए, ये जो पढ़ने का जिन्होंने यहाँ का स्टूडेंट्स का, देखिए ना, बाकी जगहों पे ऐसा आपको नहीं देखने को, बहुत कम ही मिलेगा। बहुत पटना में भी कई जगह पे हैं जो लोग बिना मतलब घूमते रहते हैं। आप इको पार्क चले जाइए, वहाँ अलग का माहौल मिलेगा। आप चिड़ियाघर चले जाइए, वहाँ एक अलग माहौल मिलेगा। और ये पटना का मोइनुल हक स्टेडियम है, यहाँ आपको एक अलग माहौल देखने को मिल रहा है। पीछे से भैया लोग करते, भैया तनि हमारे फोटोग्राफ ले लीजिए, पीछे भी आते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? शुभम कुमार। शुभम कुमार, आपका नौकरी लग गया या फिर लगने वाला? लगने वाला है। लगने वाला है, हमको लगा आप जॉब कर रहे होंगे। नहीं, जॉब नहीं कर रहे अभी। शादी हो गई आपकी? नहीं। लग तो रहे हैं कि दो बच्चे के बाप हैं। बुरा नहीं, नहीं नहीं, अभी पढ़ाई पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं जी। अच्छा, अभी कितना जिम्मेवारी है घर का आप पे? आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, सर का धीरे धीरे बाल भी उड़ा जा रहा है, तो इससे लग रहा है कि आपके जिम्मेवारी आप पे ज्यादा है। नहीं, वो यहाँ का पानी का चलते होता है, पटना का पानी। अच्छा, देखिए पटना के पानी पे आरोप लग रहा है, हालांकि पवन सिंह का एक गाना आया था, पटना के पानी जवानी पे झलके, इनका बाल उड़ा दिया पटना का पानी। आपका नाम भैया? अविनाश सिंह। अविनाश सिंह, पढ़ाई करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, तभी यहाँ बैठे हैं। जब पढ़ाई करते तभी यहाँ बैठते हैं। तब इसी का तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी। बिहार एसएससी का फोड़ देना है एकदम? फोड़ देना है बिल्कुल, इसीलिए तो यहाँ लगे हुए हैं लगातार। अच्छा, यहाँ बिहार के लड़कों पे आरोप लगता है कि आप लोग आईएएस आईपीएस ज्यादा लोग निकलते हैं, कारण? आरोप थोड़ी हुआ जी, तो बढ़ाई ना हुआ। बढ़ाई है। तब अच्छा, सरकारी नौकरी का क्रेज बिहार में ज़्यादा का है? माहौल ही ऐसा है यहाँ, प्राइवेट नौकरी का माहौल ही नहीं है, तो सरकारी ही नौकरी लेना पड़ता है। अच्छा, देखिए एक गंभीर मुद्दा है और अहम मुद्दा है, और भी लोग से इस पे बात करेंगे कि भैया सरकारी नौकरी का यहाँ ज़्यादा इतना होड़ काहे मचा रहता है। आपका नाम भाई साहब? मेरा नाम किंग राजपूत हुआ। किंग राजपूत। तो आप जातिवाद करने आए हैं कि पढ़ने आए हैं? नहीं, जातिवाद नहीं, मेरा राजपूत बचपन से ही है नाम। अच्छा, किंग राजपूत नाम बता रहे हैं? यस भैया, मेरा नाम है यही तो। क्या नाम है? किंग है। यस, राजपूत का मतलब तो किंग हो ही गया था ना, आगे मैं किनवार राजपूत से आता हूँ, इसलिए मेरा किंग राजपूत नाम है। अच्छा, यस। अरे वाह। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब जातिवाद कर ही रहे हैं तो आरक्षण किस हद तक सही है? आरक्षण, जातिगत आरक्षण किस हद तक सही है? क्योंकि जी हर जाति में लोग अपर और कहते हैं निम्न लोग हैं, मतलब इसलिए उसको मतलब एक लेवल में लाने के लिए इसीलिए उसको आरक्षण दिया गया है 10%। मतलब जाति के नाम पर आरक्षण किया, वो तो इकोनॉमिक बेस पे हो गया ना, क्या कि हर जाति के लोग गरीब हैं। yes. कहीं ना कहीं हर जाति के लोग अमीर भी हैं। yes, तो गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए या फिर जाति के नाम पर आरक्षण मिलना चाहिए? नहीं, गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। गरीब को आरक्षण मिलना चाहिए। अच्छा, किस का तैयारी करते हैं? हम करते हैं जनरल कंपटीशन का। जनरल कंपटीशन में क्या मतलब, दो तीन ऐसा कुछ है या? हम सब उस निम्न मतलब कि एथी से आते हैं, बैक एरिया से, कि मतलब कोई स्पेशल तैयारी नहीं कर सकते हैं। हर फॉर्म आता है तो उसका फॉर्म हम सब डालते हैं। ये नहीं कि स्पेशल है कि यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं। अगर बिहार पुलिस आ रहे उसका भी भर रहे हैं, बिहार दरोगा भी आ रहे उसका भी भर रहे हैं। अच्छा, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होता है। घर से कितना प्रेशर है कि सरकारी नौकरी लेके आना है घर? घर से मतलब कि कोई डिमांड नहीं कि लेना ही है, मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, पता है माँ बाप का भरोसा है, तब तो भेज रहे हैं, पटना भेज रहे हैं, 5,000 रुपया मंथली भेज रहे हैं। अच्छा, 5,000 में यहाँ पटना में गुजर बसर हो जाता है आपको? हाँ, नॉर्मली हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के जो पेरेंट्स हैं वो अपना पेट काट के यहाँ अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। एक जो मेरा एक मुख्य सवाल था सर, हम यहाँ के जो गाइड हैं उन्हीं से बात करेंगे। सर, सरकारी नौकरी का क्रेज बिहार में ज़्यादा काहे है? ये जो पहला मुद्दा है, जो सरकारी नौकरी का हॉट क्यों है, क्योंकि इसके पीछे दूसरा ऑप्शन बिहार में है ही नहीं।
बात करते हैं रोजगार का, जो माँ बाप जो सपना लेके आते हैं कि हमारे जो बच्चे हुए हमारे लालन पालन करेंगे, उसका दूसरा ऑप्शन यहाँ बिहार में नहीं, कंपनियाँ वगैरह हैं कुछ है, ऐसा ऑप्शन नहीं है जी। जिसके कारण सिर्फ एक ही हथियार है बच्चों के साथ, वो है एजुकेशन, वो है शिक्षा। और वो शिक्षा अच्छा रहेगा तो रोजगार मिलेगा, वो सिर्फ तभी अपने माँ बाप के सपने को साकार करेंगे और खुद के जीवन का अपना अच्छी तरह से यापन कर सकते हैं। यही बस पहला ऑप्शन है। जिस दिन कंपनियाँ वगैरह अच्छी तरह से सब कुछ हो जाएंगे तो ऐसा लगता है कि वो भी जैसे अगर दूसरे स्टेट में जाएंगे, वहाँ पर अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पर ऐसा शिक्षा का माहौल नहीं है, लेकिन देखेंगे बिहार में यूपी में ये सब एरिया में कंपनियाँ वगैरह कम है, जिसके कारण होता है क्या है कि यहाँ पर एक ही हथियार वो है एजुकेशन जी, और उसके तहत ही आपको रोज़गार मिल पाएगा। बस ये एक मेन मुद्दा। एक और हमको मुख्य वजह ये लगता है कि यहाँ के जो पापा लोग हैं वो सरकारी दामाद ज़्यादा खोजते हैं, ऐसा भैया सही है कि नहीं है? यहाँ पे जो भाई लोग बैठे वो लोग मेरा समर्थन करेंगे शायद। अच्छा हाँ, लड़की लोग से, वाह सही बताए। अच्छा आप लोग के पापा सरकारी दामाद काहे खोजते हैं? क्योंकि पापा लोग को लगता है कि उनका कुछ रिस्पेक्ट इज्जत सब पीछे भी आएंगे, आप लोग से भी जानेंगे भाई। हाँ तो ऑफकोर्स मेरे पापा तो सर्विस मैन एयरफोर्स यही सब खोजते हैं, सरकारी या नौकरी वाला? हाँ वही चलेगा। शायद मैं संकट में हूँ काहे कि मेरा सरकारी नौकरी तो नहीं है भैया। अच्छा सरकारी नौकरी वाला दामाद का क्रेज बिहार में का है भैया? भैया हमको तो नहीं लगता है, अपना अपना ओपिनियन है, सबका अपना अपना सोच है, अब जिसको जैसा सोचे वो रखता है। अच्छा। आपका नाम क्या हुआ? संतोष कुमार। संतोष कुमार, अच्छा सरकारी नौकरी का क्रेज बिहार में का है ज़्यादा? यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा है। मतलब सरकारी नौकरी का है, रोजगार तो जो है आपको, जैसे हम काम कर रहे हैं तो हमको रोजगार मेरे पास भी है। आपका नाम? मेरा नाम नितेश कुमार हुआ। नितेश कुमार, आप क्या कहिएगा ये सरकारी नौकरी का जो होड़ लगा हुआ है बिहार में इसके बारे में? देखिए सबसे बड़ा बात है कि जो समाज में ही फैल गया है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं होगा तो कोई शादी नहीं होगा। तो हाँ बस सबसे मेन मुद्दा यही है कि ब्याह नहीं होगा। यही नहीं होगा, मतलब अगर आप 10th पास कर जाते हैं तो सबसे पहले आपको यही मिलेगा कि भाई नौकरी कर लो, नहीं तो ब्याह ही नहीं होगा। तो लड़का निकल जाता है कि चल भाई अब नौकरी ही लेना है, तो वैसे ही निकल जाता है। अच्छा सर, बिना सरकारी नौकरी के बिहार में ब्याह करना कि मतलब कितना कठिन है? बहुत है ही, मतलब इतना कठिन है कि मतलब अगर आप, मेरे पास तो एग्जांपल भी है, आप दिखा भी सकते हैं आपको। लेकिन क्या एग्जांपल क्या भैया? वाह वाह इंटरेस्टिंग भैया, थोड़ा सा पीछे इनसे बात करने में मज़ा आ रहा है। हाँ जी बताएं जी। मतलब एग्जांपल कहने का मतलब है कि मेरे आसपास के जो मेरे सर्किल के बहुत जो लोग सीनियर लोग हैं, जो वो लोग अभी तक तैयारी ही कर रहे हैं। अच्छा 35 साल 36 साल हो गया अभी तक वो तैयारी कर रहे हैं। अब कितना दिन वो तैयारी करेंगे, 2 साल बाद छोड़ देंगे तो 38 साल 39 साल में कौन सा शादी करेगा? सही बात है, 45 साल के बाद आपका कैपेसिटी खत्म हो जाएगी आप। हाँ कैपेसिटी तो अभी ही खत्म हो गया, लेकिन अब खींच रहे नहीं बायोलॉजिकली, एक्चुअली मैं बायो का स्टूडेंट हूँ इसलिए हमको पता है कि 45 के बाद आप। अब उस दृष्टि से देखेंगे तब तो अभी टाइम है उनके पास, ऐसे तो ब्याह हुआ हो गया। अब ब्याह होता तो तैयारी क्यों करते हैं? अरे भैया, अरे सच में आप इंटरेस्टिंग आदमी है भाई। नहीं मतलब क्या रहे, मतलब आप मुख्य रूप से शादी करने के लिए नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? नहीं देखिए देखिए अंत में ये जो सामाजिक बंधन है आपको, ये शादी तो इसमें सबको जाना है, तो जो पहले ले लिया नौकरी पहले चल जाएगा। हम अभी तक नहीं लिया, अभी तक नहीं गया, जब लेंगे तो चले जाएंगे। घूम फिर के भैया देखिए ये जो है हमको जहाँ तक समझ में आया, आप लोग भी कमेंट करिए, क्या नाम बताए थे आपका? नितेश कुमार। नितेश कुमार जी के नाम से कमेंट भरना चाहिए भाई, ये जो है मुख्य रूप से ब्याह करने के लिए सरकारी नौकरी का तैयारी कर। नहीं मतलब मेरा कहने का वो मतलब नहीं है कि शादी करने के लिए, वो दबाव है, प्रमुख दबाव में वो आता है। मतलब हाँ खास करके बिहार में इस जी जी बिहार में आपने ये सवाल ही ऐसी पूछा था ना, इसलिए मैंने उससे रिलेटेड जवाब। नहीं बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी आप, सबसे ज्यादा मजा इन्हीं से बात करने में आया। उधर से एक भैया चमनिया मुस्कान दे रहे हैं, आपसे ही बात करेंगे, आइएगा इधर। हाँ हाफ शर्ट वाले सही बोले। आपका नाम क्या हुआ? प्रशांत। आप एकदम मीठे मीठे मुस्कान रहे थे पीछे से, क्या बात है भाई, खुशी का राज बताइए। बस यहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ी खुशी यही है। अच्छा नहीं तब से आपको हम देख रहे थे, जब माइक कैमरा ओपन हुआ, जब यहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है तब आप ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। नहीं इसके पहले ही मुस्कुराते थे। कितनी गर्लफ्रेंड? एक भी नहीं। कितने सुंदर होने का फायदा क्या है? बस जरूरी है कि सुंदर गर्लफ्रेंड होना जरूरी है। एकदम जरूरी है भैया? नहीं नहीं है। अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर होंगी तो सुनिए रही होंगी, पता है कितना सब्सक्राइबर है? 1,94,00,000 हो, सुनिए रही होगी। है ही नहीं तो क्या सुनेगी। अच्छा नहीं है,
कोई नहीं, तो तैयारी कर लीजिए, उसके बाद डबल स्टार लेके उसके बाद हाँ हुटर बजाते हुए बाराती लेके जाइए, उसका मजा अलग है जी, है कि नहीं जी। चलिए ठीक है, अब देखिए अभी क्या, अरे बाप रे बाप, ओजा से आइए 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 आइए, ये बोल रहे हैं कि वैजा से बोले भैया, आइए आइए आइए, सभी देखेंगे, आइए भाई बीच से आकर बोलेंगे, आइए आइए आइए, आइए खड़े खड़े ही बुलाएंगे, आइए ना थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, रोहित आप इधर आ जाइए। हाँ देखिए भैया, हम गांव के भाषा में बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे वही बोला वही बतिया में मजा आ, बोलल कोई चाहिए था ये बताओ पहले। हम अपन भाषा पटना वाला भाषा में बोला, नहीं समझे, पूछिए ना कुछ पूछेगा तो। आप कहना क्या चाहते हैं? जो कहिएगा हम बोलेंगे, जो पूछेगा बताएं। गेटअप पूरा प्योर बिहारी, कांटे बिहारी वाला गेटअप। अच्छा, बात नहीं। आप समाज से निकाले हुए लग रहे थे वहाँ पे? नहीं, साइड में भैया जानते हैं यहाँ पर ये बहुत कम भीड़ है, इससे भी वहाँ पे हम लोग पीछे बैठते, उधर गाछ पे बैठ के पढ़ते थे, हाँ पीछे में बैठ के पढ़ते थे, बहुत कम है। यहाँ के जो बिमल भैया हैं, हम शुरू में ही उनसे सब जुड़े थे, 6-7 भैया 8 भैया के बीच में हम लोग पढ़ते थे, तो कुछ कारण बस हम छोड़ दिए बीच में पढ़ाई, तो कोचिंग में घूमे, जहाँ लोग बड़े बड़े लोग टीचर के नाम से जाने जाते हैं, बोलते हैं कि हम फ्री में सेवा करते हैं, वहाँ गए भैया, 10,000-12,000 डिमांड किया गया, यहाँ आए तो 200 में हमको एडमिशन हुआ, 200 में, 200 में एक बार कोचिंग वालों के लिए जो कराते हैं उनके लिए ताली बजाइए। और 200 में एडमिशन ही नहीं हुआ भैया, हम गांव से आए थे तो कुछ नहीं जानते थे, बढ़िया से पढ़ने के लिए भी नहीं जानते, यहाँ आए तो हमको इतना हिम्मत है कि दरोगा में हम मेंस भी निकाले हैं, मेंस निकाले और दरोगा के अगली बार फाइनल कर लेंगे, और सिर्फ इसी का जय इंजीनियर्स ग्रुप के वजह से, हमारे पास में और कुछ जानकारी नहीं था, हम ठेठ बिहारी थे, पॉलिटी क्या होता है, इतिहास क्या होता है, ज्योग्राफी कुछ समझे में नहीं आता था, बस बीमल कुछ नहीं समझ में आता था, कसम से बोल रहे हैं, बीमल भैया के बदौलत से आज हम कुछ भी हैं, तो उनके बदौलत हैं, वो चल गए तो बहुत अफसोस आ रहा है, ये तो कुछ हो ना है, 7 से 8 से शुरू किए थे और 700-800 लड़का उनके बदौलत यहाँ पे था, 100 गुना बढ़ोतरी हुआ है, उसमें इतना टैलेंट था, इतना पढ़ने का जो बिहारी लोग में तभी आता है जब दिल टूटता है। अरे हमारा टूटल फूटल नहीं है, कुछ नहीं, वो सब वो धंधा से दूर है, वो धंधा से दूर है, हम सब दूसरा टाइप के आदमी है, दूसरा टाइप है, कौन टाइप के दूसरा, मतलब खाए पिए वाला आदमी, लंद फंद वाला आदमी नहीं है, साधु संत आदमी है, साधु संत आदमी है, लहसुन प्याज मुर्गा मछली अंडा तंडा कुछ नहीं खाते, शुद्ध शाकाहारी, पहले किए थे बीच में छोड़ दिए, सुधर गए भैया के बदौलत, भैया के चलते सुधर, बस आई ग्रुप आप कुछ नए भैया रहते हैं ना तो बवाल रहता, आप अबे के लेट से कुछ दिन पहले आते ना तो बवाल लाकल रहता। अच्छा कोई बात, देखिए अभी तक आप लोग सुने होंगे कि किसी पुरुष के सक्सेस के पीछे महिला का हाथ होता है, इनके पीछे किसी भैया का हाथ है। हाँ भैया एकदम सर, इसमें कोई गारंटी ना है, हम आपको दिल से बता रहे हैं, कुछ नहीं जानते थे, मैथ रीजनिंग के अलावा जीके जीएस क्या होता है, बस बिमल भैया का देन है, इन्हीं का देन से हम सब कुछ जानते हैं, बताए ना कि यहाँ निकालने वाला भी है, उसमें आपकी कोई नहीं, भगवानों नहीं काटेगा, मेहनत कर रहे हैं खुद, और जो पूछना पूछिए बता देंगे। आप इतना मनी बात बोल दिए, अच्छा घूमे थे यहाँ से पहले कोचिंग में गए थे, वो लोग जो बोलते हैं ना कि हम यह है वह है, घंटा कुछ हो नहीं, उसे पैसा लेता तब एंट्री करवाता, यहाँ 200 रुपया दिए भैया, पैसा नहीं था, 200 रुपया में एडमिशन हुआ, पढ़ रहे हैं कुछ ना, हाँ 200 में हमारा एडमिशन हुआ, वहाँ पे एंट्री नहीं होने दिया, एक दिन नहीं क्लास दिया, बहुत बड़का टीचर कहलाता है, सब मोबाइल तोबाइल पर बोलता है कि हम फ्री सेवा करते, कुछ नहीं सेवा करता है, यहाँ जो टॉपर है, यहाँ जो भी लड़का है ये सब देख रहे हैं ना, ये सब सहंसा है, सगरों से कुचाल है, एजा परियाल है, सगरों से कुचाल है तब एजा परियाल है, एजा लेकर के जाएगा, ये तो कंफर्म है, हेरा तो भगवानों नहीं काटे जाएगा, एजा जो रेगुलर रहेगा ना भैया, एकदम लिखित हम देते हैं कि हो जाएगा, कहे कि हमारा ऐसा बुड़बक आदमी जब समझ रहा है तो ये सब तो मान है, बड़े आपने बड़े मजेदार लोग यहाँ पाल रखे हैं, ये तो बहुत ये कुछ ना है, और तो दो चार को चल गया टेलर देवे वाला भैया जानते हैं हम सही में, कोई कोचिंग नहीं किया, यही किया है, जो किया जो यही किया, कोई कोई सर से नहीं, सब बात बोलने के बाद कहते हैं पूछिए ना जो पूछना है, हाँ तो आप जो कहिएगा बोलिए ना, हम बोलने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ पे तो भैया बोले कि सरकारी नौकरी लेंगे तभी ब्याह होगा, बात नहीं, हम लोग खुश हैं, नहीं होगा तैयो कर लेंगे, किसान है खेती करते हैं,
करे लगी तो तीन चार गो तैयार है लेकिन कर नहीं रहे हैं। देखिए देखिए रुके रुके रिकॉर्ड में ही बोले थे कि गर्लफ्रेंड तर्लफ्रेंड नहीं है, अभी बोल रहे हैं ब्याह करने के लिए तीन चार गो तैयार है। उसने नहीं मतलब शादी घर में एज हो गया ना भैया, पापा मम्मी के प्रेशर है कि शादी कर लो। अच्छा। लेकिन हमको शौक है कि नौकरी करेंगे या फिर और बढ़िया से कमाएंगे ना, कम से कम पेट चलेगा ना तब शादी करेंगे। ऐसा बात दहेज पे कर ले, दहेज दहेज लेना किस हद तक सही है? हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए, हम लोग को दहेज का खिलाफ है, हम दहेज नहीं लेंगे और नहीं लेने देंगे बस। अच्छा बिहार में सरकारी नौकरी वाला के दहेज ज्यादा मिलता है? अरे अरे राजा जी कौन बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे ये? अरे भाई साहब आइए आइए आइए, स्टाइल स्टाइल चप्पल खोलिए, बीच में आइए आप, स्टाइल देखो इनका, स्टाइल देखो, स्टाइल दिखाओ, स्टाइल दिखाओ, वाह। एक बार इनके इस बिहारी गेटअप और इतना सुंदर स्टाइल के लिए ताली बजाइए। क्या नाम हुआ? सर्वजीत नाम है, औरंगाबाद से मैं आया हूँ। औरंगाबाद से? जी हाँ। भाई हम भी वहीं से हैं सर। धन्यवाद। औरंगाबाद से हैं? जी औरंगाबाद से। वाह देखिए मैं रंगदार लग रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पढ़ते हैं भाई। हम तो 5 दिन पहले पटना आया हूँ और मित्र लोग के सहायता से यहाँ करके खड़ा होता हूँ, 1 घंटे मुझे अच्छा लगता है, बस इसके बाद 8 बजे तक चला जाता हूँ डेरा। ऐसे मित्र का होना जरूरी है जो आपको कहीं और ले जाने के बजाय यहाँ लेकर आ रहे हैं, कहने का है कि पटना बहुत सारे ऐसे मित्र जो कहते हैं चलो थोड़ा इको पार्क चलते हैं, मरीन ड्राइव चलते हैं। देखिए जाते हैं क्या जी? मरीन ड्राइव जाते हैं क्या? ना भैया नहीं जाते हैं। ए? नहीं जाते। तब कैसे पता है आपको? मतलब देखे हुए हैं रील पे। रील में देखे हुए हैं? रील में देखे हैं। वाह रील का चस्का लगा है इनको। हाँ तो आपसे बतिया दहेज प्रथा के बारे में आप कुछ बता रहे हैं। भाई मैं दहेज के बिल्कुल खिलाफ हूँ और सरकार भी कहती है कि बेटा बेटी एक समान, दहेज प्रथा का करो अपमान। अरे वाह। और दूसरी बात हमारा मौलिक अधिकार कहता है, मौलिक अधिकार कहता है कि सबको एक समानता का अधिकार दिया जाए, सरकार हमारी कहते हुए भी आरक्षण प्रणाली लाती है। भाई ये सब कहाँ का अभिशाप है, इसी कारण से हमारे बिहार या अन्य राज्यों में दहेज का खिलाफ बढ़ रहा है। अगर आरक्षण प्रणाली को हटा दिया जाए, सबको एक समानता का अधिकार दिया जाए, तो कहीं कोई दहेज प्रथा नहीं होगा। और मैं बात कहते कि आप नौकरी वाला को, मैं वादे के साथ कहता हूँ बेटी ब्याह उस घर में जिस घर में शराबी नहीं हो, नौकरी का कोई क्रेज नहीं है, कोई डेमो नहीं है इसका। वाह कितना अच्छा बात बोले कि बेटी ब्याह उस घर में जिस घर में शराबी नहीं हो, शराबी नहीं हो। आप लाख नौकरी करते, मैं पूर्वजों से नौकरी का इतिहास बता रहा हूँ, मेरे घर में अभी भी मेरा बड़ा भाई, मैं भी सरकारी नौकरी को रिजाइन दे करके यहाँ दफ्तर में खड़ा हूँ और दूसरे तैयारी को लेकर के। वाह एटीट्यूड ऑफ बिहारी। दूसरी नौकरी को मैंने भारत सरकार के पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था अरुणाचल, एक साल अठारह दिन तक नौकरी किया, मुझे पसंद नहीं आया। और बिहार शिक्षक प्रणाली के चलते हमने आया और यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमने देखा कि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं और सेम DOB कारण से मैंने छट गया। अच्छा। और फिर इस बार भी परीक्षा दिया हूँ, देखिए आपकी अगर आशीर्वाद हो तो हो जाएगा। नहीं ऊपर वाले के आशीर्वाद रहे, बाकी हम लोग आपको प्यार ही दे सकते हैं। तो चलिए अच्छा ऐसे ही प्यार के तलाश में लगे रहिए आप भी। और बहुत तगड़ा बोले भाई साहब, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। देखिए आपका नाम सर? मोनू है मेरा नाम। मोनू जी कितना बच्चा है आपका? मेरा बच्चा 4-5। देखने में सबसे सीनियर यहाँ पे आप ही लग रहे हैं। ये क्या होंगे भी, यही है होंगे भी। अच्छा आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे भैया? BSc SI। अच्छा CSI। अच्छा अटेम्प्ट पहले दिए? हाँ दिए हैं, एक दो बार दिए हैं फिर। देखिए मतलब गजब का यहाँ पे। अच्छा एक बात बताइए, मेरे आने से मजा आया कि नहीं आया? क्या बहुत मजा आया। बिहारी लोगों का इस बिहारी अंदाज पे क्या कुछ कहना चाहिएगा? बाकी मैं आशा करता हूँ कि बिहार के बारे में आपको जो कुछ भ्रम होगा वो दूर हो गया होगा। और देखिए एक बार फिर से रोहित दिखाइए, कितना बच्चा यहाँ पे? सर करीब 700-800 बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे पर डे। कभी कभी बहुत बच्चे कंटिन्यू नहीं, जो मैं कि नहीं रह पाते हैं, मैं कि फैमिली की वजह से घर चले जाते हैं, 10-10 दिन तक रह जाते हैं, तो हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि वो कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम इवनिंग में घर पे कम जाएं, कम से कम इवनिंग में 5 से 9 बजे तक एक ग्रुप चलता है। ये टाइमिंग है घूमने का, ये टाइमिंग है मेरिन टाइम जाने पे, भिकना पानी मोड़ जाने का टाइमिंग है उस ग्रुप, इसीलिए इस टाइम में हम रखे हैं। इस ग्रुप का खासियत है ना कि हम ग्रुप चलाते हैं 5 बजे से, उस टाइम भी लगभग धूप होती है, वहाँ पर बच्चे धूप में बैठते हैं। बच्चे लोग का इतना इच्छा अंदर से है, बोलते हैं कि सर 4 बजे कीजिए ना, हम धूप में बैठ के पढ़ लेंगे, हम 4 से 9 बजे तक पढ़ाइए।
हम कंटिन्यू पढ़ेंगे। अब बच्चे लोग पढ़े भी धूप में हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे लोग पढ़े भी हैं। साढ़े चार बजे से मेरा ग्रुप चलता था, जैसे जैसे मौसम आता वैसे वैसे टाइमिंग चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का अलग ही शौक ही है। अगर एक दिन ग्रुप बंद होता है, बच्चे लोग पूरा हल्ला करते हैं कि आज छूट गया सर, घर पे मन नहीं लग रहा है। बहुत लोग यहाँ से बच्चे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना, सब कोचिंग संस्थान से टोटल भटके हुए लोग हैं। ये हम नहीं बोलेंगे, आप किसी बच्चा से पूछ लें, वो बोलेंगे कि मेरा यहाँ पैसा इतना फंसा हुआ है। थक हार के आते हैं तब आपके पास आते बस हैं। बिल्कुल यहीं पर आना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर होता है कि एक दिन में बहुत सारा बुक पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, मतलब कि एक दो चार घंटे में बहुत सारा माइंड में क्वेश्चन चला जाता है पूरा, मतलब कि जो जो रिवाइज होता है ना वो हो जाता है। संस्था में जाइएगा तो दो घंटे में सिर्फ पॉलिटी है तो पॉलिटी होगा, वो समय धीरे धीरे बर्बाद होगा। लेकिन यहाँ पर अगर जैसे आने का इच्छा है वहाँ जाइएगा तो थोड़ा सा चकचुक चकचुक रहेगा तो लगेगा जरा सूट बूट में जाए। लेकिन यहाँ कोई मोहल्ला आप देखें चकचुक चकचुक में जाइएगा तो सूट बूट में जाए जाना पड़ेगा। चकचुक का मतलब जैसे जैसे भैया देखा है अभी जो बोले, धर्मेंद्र भैया उनका नाम है, जो बोले अभी कि जो आप बोलेंगे बिहारी लुक में है, अगर वही संस्थान पने जाएंगे तो क्या उस लुक में जा पाएंगे वो? बिल्कुल मेरे जैसे जाएंगे वो। बिल्कुल जाएंगे। अब उनके लिए टाइम लॉस होगा, उनके लिए भैया टाइम लॉस होगा, उनके लिए टाइम लॉस होगा। एक घंटा आने में, एक घंटा तैयार होने में सोचना पड़ेगा। आर्थिक स्थिति तंगी है, कपड़ा कहाँ से लाएंगे हम लोग? ये फ्री संस्थान है, जय हिंद जीनियस ग्रुप फ्री संस्थान है। इस ग्रुप जब चलाए थे तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता था, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़ते गए तो बहुत सारा कुछ खर्चा वगैरह हो जाता है, जिसकी वजह से 200 रुपया लगता है। आप एक बार दीजिए लाइफ टाइम फिक्स आप हैं, निःशुल्क मतलब की है। अच्छा, मतलब रैंडम हमको यहाँ मेरे दोस्त के थ्रू पता चला कि यहाँ पे बच्चे जो है वे पढ़ाई करते हैं। हमको लगा कि भाई अब रात का रिपोर्ट करना है तो वैसे आपको चले जाइए गांधी मैदान 7 बजे के बाद, वहाँ माहौल गंदा हो जाता है। उसके बाद आप मरीन ड्राइव चले जाइए और उसके बाद आपको इको पार्क वगैरह होगा वहाँ, मतलब जाके इस तरीके से कैमरे पर नहीं दिखा सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि बिहारी लोग के बारे में आपका जो कुछ भी भ्रम होगा वो दूर हो गया होगा, और अब हम कुछ विशेष नहीं कहना चाहेंगे। अब आप जो कुछ भी अपना प्रतिक्रिया देना चाहें कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।